ml, तो कितना आ गया, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 15 4 60 ml, ठीक है, तो ये प्योर अल्कोहल आ गया। अब आपसे क्या कह रहा है, हाउ मच प्योर अल्कोहल इज एडेड। अब इस प्योर अल्कोहल में आप कितना और ऐड करोगे ताकि स्ट्रेंथ 32%, सी यू वांट द स्ट्रेंथ 32%, ठीक है। अब इस चीज़ को समझिए, नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट 60 ml इज़ द प्योर अल्कोहल। सो हाउ मच अल्कोहल यू विल ऐड, सपोज यू विल ऐड x ml ऑफ अल्कोहल अपॉन टोटल, सो द टोटल अल्कोहल विल बिकम, क्योंकि देखो ना, इफ यू विल ऐड x अमाउंट ऑफ अल्कोहल, इस 400 ml में 60 ml इज़ प्योर, ठीक है, उसमें यू विल गोइंग टू ऐड x ml ऑफ प्योर अल्कोहल, दिस x ml यू आर एडिंग प्योर अल्कोहल, प्योर, सो द टोटल कैपेसिटी विल बिकम 400 + x, 400 + x, एंड द कैपेसिटी ऑफ प्योर अल्कोहल विल बिकम 60 + x, क्योंकि 60 ml इज द प्योर अल्कोहल। अब जब टोटल, दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है, इफ यू विल ऐड x ml ऑफ प्योर अल्कोहल, इफ यू विल ऐड x ml ऑफ प्योर अल्कोहल, व्हाट विल हैपन, तो जो प्योर अल्कोहल है, जो प्योर अल्कोहल है उसकी क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, ऑलरेडी 60 थी, 60 ml थी, तो 60 + x ml हो जाएगी, ओके। और जो टोटल सोल्यूशन है, जो टोटल सोल्यूशन था वो तो 400 ml का था, तो 400 + x हो जाएगा, क्योंकि उसमें x ml भी ऐड हुआ है, ठीक है। अब इसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी, इट्स स्ट्रेंथ विल बी 32%, मतलब परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्योर अल्कोहल अपॉन टोटल सोल्यूशन, या आप सोल्यूशन लिख सकते हो, इफ आई डू इट इनटू 100 आई शुड गेट 32%, ओके, सो इनटू 100 इट इज ऑलरेडी गिवन इन परसेंटेज, सो आई डोंट हैव टू पुट हियर द साइन ऑफ परसेंटेज, रिमेंबर इट, ओके। सो नाउ पुट द वैल्यूज, यू जस्ट हैव टू पुट द वैल्यूज हियर, प्योर अल्कोहल इज 60 + x अपॉन सोल्यूशन इज 400 + x into 100 will going to give you 32, बस इसको सॉल्व करना है, जस्ट हैव टू सॉल्व दिस, सो दिस विल बी 60 + x अपॉन 400 + x इज इक्वल टू 32/100, ठीक है, ओके। इस 32 वाले को सॉल्व करते हैं, 4 से करोगे तो 4 8s और 4 25 टाइम्स, एंड इफ यू डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यू विल गेट योर आंसर, सो दिस विल गोइंग टू गिव यू 25 इन ब्रैकेट 60 + x is equal to 8 in bracket 400 + x, ठीक है, but you have to find x here, तो अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 6 5s are 30, carry 3, 6 2s are 12 13 14 15, ओके, 1500 + 25x is equal to 8 4s are 32 3200 + 8x, ठीक है, so this will going to be 25x - 8x is equal to 3200 - 1500, so 25x - 8x will going to give you how much, 17x, and here it will going to come 32 - 15 1700, if you solve x you will get x is equal to 100 ml, ठीक है, तो आप 400 ml में 100 ml और प्योर अल्कोहल ऐड करेंगे, तो जो स्ट्रेंथ कितनी थी पहले 15% थी, इट विल चेंज इनटू 32%, ओके, तो 400 ml जिसमें 60 ml प्योर अल्कोहल थी, उसमें इफ यू ऐड कितना आया हमारा 100 ml, ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि 60 ml प्योर अल्कोहल थी अपॉन 400 ml क्या थी टोटल सोल्यूशन, इनटू 100 करूंगा तो कितना था मेरा परसेंटेज, ठीक है, आप देख लीजिए, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ठीक है, 4 15s, तो 15% तो था, ठीक है, अल्कोहल, फिर हमने क्या करा, फिर अब हम लोग कितना ऐड करेंगे, वी विल ऐड हाउ मच, अब हमें कितना ऐड करना है 100 ml, तो 60 में 100 ml ऐड करोगे कितना हो जाएगा 160, ओके, और नीचे हो जाएगा 500, इनटू 100 करेंगे तो इट शुड कम कितना 32%, तो सॉल्व करके देख लो, 2 0 से 2 0 कैंसिल, कितना आ गया 160/5, 32%, ओके, तो 60 ml था, इसको 160 ml मिलाने के लिए कितना ऐड करना है मुझे प्योर अल्कोहल 100 ml, ठीक है, तो हम लोगों ने इसको अच्छे से देख भी लिया, ठीक है, चलो आई होप कि आपको समझ में आया हो, काफ़ी बच्चे पूछते हैं ये सवाल,